यस प्रिय छात्रों, उस दिन आपने क्वेश्चन नंबर एक तक देखा था 5.1 में, आप देखिए क्वेश्चन नंबर दो। दो एक्स प्लस चार एवं एक्स माइनस एक अंश माप के कोण रेखीय कोण युग में, ये करा दिया। अब अगला सवाल है चित्र से, ये दो रेखाएं हैं जो एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही हैं, ए बी और सी डी ऊपर प्रतिच्छेद करती हैं। यदि ये कोण 52 डिग्री है तो अब हमको क्या क्या ज्ञात करना है। नंबर एक कोण बी ओ डी, नंबर दो कोण सी ओ डी सॉरी ए ओ डी और नंबर तीन शीर्षा भी मुख, शीर्षा भी मुख कोण युग्म कौन कौन से हैं, और चौथा है अपना कोण एओसी के आसन्न पूरक कोण कौन 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 से हैं बताइए। तो देखिए आपको दिया गया है दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही हैं, तो प्रतिच्छेद बिंदु पर बनने वाले आमने सामने के कोणों को हम क्या कहते हैं, शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। क्या कहते हैं, शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। तो अब हमको हल कर रहे हैं, हल में कोण एओसी बराबर दिया है 52 डिग्री, कितना दिया है 52 डिग्री। तो अब चूंकि कोण बीओडी बराबर कोण एओसी, ये कौन सा कोण हो गया, इसका शीर्षाभिमुख कोण, और इसलिए कोण बीओडी का मान भी कितना हो गया 52 डिग्री, कितना हो गया 52 डिग्री। ये तो हो गया हमारा फर्स्ट। अब जो पूछ रहा है वो क्या कह रहा है कि ए ओ डी निकालिए, क्या निकालें हम ए ओ डी, तो ए ओ डी ए ओ डी। देखिए अब चूंकि सी डी एक सरल रेखा है, कैसी रेखा है सरल रेखा, तो इसलिए कोण ए ओ सी प्लस कोण ए ओ डी बराबर 180 डिग्री, कौन से कोण कहलाते हैं, ये रेखिक कोण युग्म, रेखिक कोण युग्म कहलाते हैं। ए ओ सी का मान हमारे पास में कितना है 52 डिग्री, 52 प्लस कोण ए ओ डी बराबर 180 डिग्री, कोण ए ओ डी बराबर 180 माइनस 52 डिग्री, तो 52 घटाइए कितना बच गया 128 डिग्री, कितना बच गया 128 डिग्री। अब तीसरे नंबर पर क्या पूछा गया है, शीर्षाभिमुख कोण युग्म, तो देखिए कोण एओसी का शीर्षाभिमुख कोण क्या हो गया, वह कोण बीओडी, और दूसरा एओडी कोण एओडी वह कोण बीओसी, ये शीर्षाभिमुख हो गए। अब चौथा क्या कह रहा है, वो एओसी के
एओसी के पूरक कोण। पूरक कोण किसे कहते हैं? वे दो कोण जिनका योग कितना हो 180 डिग्री। तो एओसी हमारा ये रहा, तो एक तो ये सरल रेखा पे ये हो गया कोण एओसी के पूरक कोण। पूरक कोण कोण एओडी वे कोण इधर, इसको देखें तो इसका और इसका योग कितना हो रहा है 180 बीओसी, ये दो पूरक कोण हो गए। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 समाप्त हुआ। अब आप देखें क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, यहां पर आपको चित्र दिया गया है, और जब चित्र दिया जाता है तो आप उस चित्र के नामांकन में कोई फेर बदल नहीं कर सकते। दिए गए चित्र में कोण पी क्यू आर, ये अपन को इस प्रकार से त्रिभुज का चित्र दिया है, ये नाम है पी, ये क्यू और ये आर, ये एस है और ये है डी। हमको दिया है कोण पी क्यू आर बराबर पी आर क्यू, ये दोनों कोण बराबर हैं। तो दिया है कोण पी क्यू आर बराबर कोण पी आर क्यू। सिद्ध करना है हमको, क्या सिद्ध करना है बोलिए तो, पी क्यू एस कोण पी क्यू एस, पी क्यू एस यानी यहां से यहां तक बराबर कोण पी आर टी, पी आर टी ये दोनों 22 कोण हैं जो हमको सिद्ध करने। तो देखें उपपत्ति, देखो अब ये चूंकि एस टी या एस क्यू आर टी, एस टी एक सरल रेखा है। कैसी रेखा है? सरल रेखा, और सरल रेखा के एक ही ओर बने दो कोण जिनकी एक भुजा और शीर्ष उभयनिष्ठ हो उन्हें कहते हैं हम रेखिक कोण युग्म। तो इसलिए कोण पी क्यू एस, पी क्यू एस प्लस कोण पी क्यू आर बराबर कितना हो गया 180 डिग्री। ये फर्स्ट नंबर पर कारण रेखिक कोण युग्म। इसी प्रकार से यहां आइए आप बिंदु आर पर, तो कोण पी आर टी प्लस कोण पी आर क्यू बराबर भी 180 डिग्री, ये सेकंड हो गया, ये भी रेखिक कोण युग्म है। अब देखिए इन दोनों कोणों का योग 180 और इन दोनों कोणों का योग भी 180, तो फर्स्ट व सेकंड से दोनों के आरएचएस बराबर हैं तो एलएचएस भी बराबर होंगे। कोण पी क्यू एस प्लस कोण पी क्यू आर बराबर कोण पी आर टी प्लस कोण पी आर क्यू। अब देखिए हमको दिया क्या है पी क्यू आर बराबर पी आर क्यू, परंतु कोण पी क्यू आर बराबर कोण पी आर क्यू, इसमें रख दें कोण पी क्यू एस प्लस कोण पी आर क्यू
पी क्यू आर बराबर रखने पर, ये कहां से आया, हमको दिया है बराबर कोण पी आर टी प्लस कोण पी आर क्यू। पी आर क्यू से पी आर क्यू कट गया, बचा क्या कोण पी क्यू एस बराबर कोण पी आर टी, और यही हमको सिद्ध करना था। इति सिद्धम। अब देखिए आप क्वेश्चन नंबर चार, क्वेश्चन नंबर चार देखें। क्वेश्चन नंबर चार क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर चार, चित्र, यहां पर भी चित्र दिया है अपन को। क्वेश्चन नंबर चार चित्र दिया गया है, ये हमारा चित्र है, ये हो गई P, ये हो गया Q, ये हो गया R और ये हो गया S। P, Q, R और S, ये O बिंदु हो गया। सिद्ध करना है हमको कोण पी ओ क्यू प्लस कोण क्यू ओ आर प्लस कोण एस ओ आर प्लस कोण पी ओ एस बराबर 360 डिग्री। देखिए अब यहां पर थोड़ी सी अपन को रचना करनी होगी। रचना क्या करें, रचना में कि क्यू ओ को, ओ क्यू को नहीं, क्यू से ओ की दिशा में हमने इसको यहां तक बढ़ा दिया पीछे की ओर, यानी इसको सरल रेखा बना दिया, इसे मैंने T लिख दिया। तो QO को T तक बढ़ाया, तो अब ये जो TQ है ये क्या हो गई, हमारी सरल रेखा हो गई। अब आइए उपपत्ति, देखें, चूंकि टी क्यू एक सरल रेखा है, कैसी रेखा है, सरल रेखा है, किससे, रचना से, किससे, रचना से, इसलिए कौन पी ओ टी प्लस कोण पी ओ क्यू बराबर 180 डिग्री, ये हो गया अपना फर्स्ट रेखिक कोण युग्म। अब नीचे देखिए, अपन एक को छोड़ें तो कोण पुने कोण टी ओ एस, प्लस कोण एस ओ क्यू, बराबर 180 डिग्री, ये भी कैसा है, रेखिक कोण युग्म, यहां देखे अपन टी ओ एस, एस ओ क्यू। अब एस ओ क्यू को ओ आर कितने भागों में विभाजित कर रहा है, दो भागों में, या
कोण टी ओ एस प्लस कोण एस ओ आर प्लस कोण क्यू ओ आर बराबर 180 डिग्री। ये सेकंड हो गई, क्या हो गई, सेकंड हो गई। तो अब यहां पर देखिए, फर्स्ट व सेकंड को जोड़ने पर, फर्स्ट व सेकंड को जोड़ने पर कोण पी ओ टी प्लस कोण पी ओ क्यू बराबर वह सॉरी प्लस कोण टी ओ एस प्लस कोण एस ओ आर प्लस कोण क्यू ओ आर बराबर 180 प्लस 180। आप देखें चित्र से, पी ओ टी और टी ओ एस, पी ओ टी और टी ओ एस का पूरा नाम क्या हो गया, कौन पी ओ एस, पी ओ एस प्लस कौन पी ओ क्यू और कौन प्लस कौन क्यू ओ आर, क्यू ओ आर प्लस कौन, प्लस कौन एस ओ आर, एस ओ आर बराबर 360 डिग्री। इनको क्रम से लिख दीजिए, कोण पी ओ क्यू प्लस कोण क्यू ओ आर प्लस कोण एस ओ आर प्लस कोण पी ओ एस बराबर 360 डिग्री इति सिद्धम। यही हमको सिद्ध करना था। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, चित्र में ये जो चित्र दिया है हमको, ए बी एक सरल रेखा है और ये ओ बिंदु है जिसमें ये सी है और ये नीचे की ओर डी है। यहां से यहां तक का जो कोण है वो है वाई, ये है एक्स, और यहाँ से यहाँ तक ये जो कोण है ये पी है और ये है हमारा क्यू। तो दिया है हमको कोण एक्स प्लस कोण वाई बराबर कोण पी प्लस कोण क्यू। सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, ए ओ बी एक सरल रेखा है, ए ओ बी एक सरल रेखा है। तो सरल रेखा कब होती है, जब इसके एक ही और बने कोणों का योग कितना हो, 180 डिग्री। तो उत्पत्ति देखें हम, देखिए चूंकि
कोण एक्स प्लस कोण वाई प्लस कोण पी प्लस कोण क्यू बराबर 360 डिग्री। क्यों? एक ही बिंदु के चारों ओर बने कोणों का योग। यहाँ लिख देता हूँ मैं कारण, चूंकि एक ही बिंदु के चारों ओर बने कोणों का योग बराबर 360 डिग्री। अब ये देखो, इसे हम फर्स्ट मान लें। अब परंतु हमको क्या दिया है, कोण x प्लस कोण y बराबर कोण p प्लस कोण q, ये दिया है, का मान फर्स्ट में रखने पर, रखिए कोण x प्लस कोण y प्लस p प्लस q और या सॉरी x प्लस y कीजिए, क्या रखना है हमको, कोण p प्लस कोण q, तो कोण p प्लस कोण q प्लस कोण p प्लस कोण q, ये कहां से आ रहा है, ये पहले से ही लिखा है, बराबर 360 डिग्री। अब जोड़ लें, दोनों में दो कॉमन ले लें, तो कोण p प्लस कोण q बराबर 360 डिग्री, कोण p प्लस कोण q बराबर 360 बटे 2, कोण p प्लस कोण q बराबर 180 डिग्री। परंतु कोण p व कोण q रेखिक कोण हैं, रेखिक कोण हैं, इसलिए AOB एक सरल रेखा होगी, इति सिद्धम। रेखिक कोण युग्म कहां बनते हैं, एक सरल रेखा के एक ही ओर बनते हैं। अब आप अगली प्रमेय, कल अगला टॉपिक होगा अपनी प्रतिच्छेदी रेखाएं तथा समांतर रेखाएं, तो ये आप कल देखेंगे।